everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, in this video हम बात कर रहे हैं CCSE के question papers के बारे में जो कि रहेंगे second year वाले students के लिए, तो ये आपके लिए helpful होने वाले हैं because बहुत ही मुश्किल से arrange हो पाए हैं, but जितने भी papers हैं आपको equally helpful रहेंगे. and इसके साथ हम बात करेंगे हिंदी और English medium की books को लेकर और जानेंगे यहाँ पर paper pattern आपका अभी जो है वो क्या चल रहा है. चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बीएलएड को लेकर आपको मिलते रहे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बुक्स को ऑर्डर करने की. तो अच्छी बात यह है कि बुक्स फ्लिपकार्ट पर भी आ गई हैं, उसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ, आपको सारी ही लिंक्स शेयर करूंगी जिससे कि आप डायरेक्ट बुक्स वहां से परचेज कर सकते हैं. अभी के लिए आप क्या करें, अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है यहाँ पर अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए जो कि लिखी हुई है, बुक्स आपके एड्रेस तक पहुंच जाएंगी, पेमेंट्स रहेंगे प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. ये स्पेशली CCSE यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड है फॉर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपके पांच सब्जेक्ट्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. एंड यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप बुक्स दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान अब नहीं होना है. बुक्स आपको फ्लिपकार्ट से अवेलेबल मैं करवा दूंगी. सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, वहां पर मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी फ्लिपकार्ट की बुक्स को लेकर. नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड ईयर की हम बात करते हैं, विच इज चार सब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि कंपलसरी सेक्शन है. यहाँ पर कोई ऑप्शनल नहीं है गाइस, ये चारों सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी है. द फर्स्ट इज लर्निंग अमंग एलिमेंट्री चिल्ड्रन, लैंग्वेज एक्विजिशन, वार्म रिलेशनशिप विद एलिमेंट्री चिल्ड्रन, आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन. इन चारों की भी बुक्स गाइस हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर अवेलेबल है एज पर द सिलेबस. थर्ड ईयर में आपके आते हैं फिर से चार सब्जेक्ट्स जो कि रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, स्कूल प्लानिंग, लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी. इसका भी मैं सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी. लास्ट ईयर में क्या है थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, दो सब्जेक्ट कंपलसरी है, करिकुलम स्टडीज और जेंडर एंड स्कूलिंग. प्लस यहाँ पर से दो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे आपके ऑप्शनल, एक आपकी रहेगी पेडागॉजी, मैथ्स या सोशल साइंस में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं. तो टोटल रहेंगे चार सब्जेक्ट्स. तो यस, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पेपर है. यहाँ पे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर पैटर्न की. तो पेपर पैटर्न क्या है, यहाँ पर रहेगा टोटल 50 मार्क्स का, तीन सेक्शंस रहेंगे ए बी एंड सी जिसमें वो डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस को लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट. यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट में लिखा है, इस सेक्शन में तीन क्वेश्चन है जिसमें क्या आपको कोई भी दो अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है. तो आपको उस हिसाब से लेंथ लिखनी है, ठीक है, उस हिसाब से ही आपको अपने आंसर की क्या करनी है, फ्रेमिंग करनी है, और तीन में से वो दो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप की. यहाँ पर क्या है, पांच क्वेश्चन दिए हैं और आपको यहाँ पर यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए और आपको सारे ही करने हैं. देखो तो ये क्या है, पांच पांच मार्क्स के हैं. थर्ड में क्या है, वेरी शॉर्ट है, यहाँ पर पांच दिए हैं, पांचों ही करना है, दो दो मार्क्स के हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो दो नंबर का उसमें आपने लिख दिए छह से सात पन्ने और जो 15 नंबर का उसमें आपने लिख दिए दो से तीन पन्ने, तो ऐसा नहीं करना है. आपको 15 मार्क्स में उसकी लिमिट लिखनी है, पांच नंबर में उसकी लिमिट लिखनी है और दो नंबर में उस हिसाब से लिखना है, ठीक है. उस हिसाब से ही आपको क्या होंगे, यहाँ पर नंबर मिलेंगे. आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको बेस्ट आते हैं. तो यहाँ पर किसका क्वेश्चन पेपर है, लर्निंग अमंग एलिमेंट्री चिल्ड्रन का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेप्शन के बारे में पूछा है, सेंसेशन एंड परसेप्शन. इसके रिगार्डिंग कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जो कि कॉग्निशन एंड लर्निंग सब्जेक्ट के नाम से रहेंगी. जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट्स उनके नाम अलग हैं बट जो बुक्स हैं उनमें सेम टू सेम यही सिलेबस है पूरा. आप यहाँ पर सिलेबस और कंटेंट को मैच कर सकते हैं, उसके बाद आप बुक को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारे ही जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और आपकी प्रिपेरेशन अच्छी होगी, ठीक है. हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में बुक्स अवेलेबल हैं, तो बुक्स के लिए आपको बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हम बुक्स की भी बात कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पर हिंदी मीडियम के लिए बुक और लेफ्ट हैंड साइड पर इंग्लिश वालों के लिए जो कि कॉग्निशन एंड लर्निंग के नाम से आती है बुक. इसमें आपको घबराना नहीं है, अगर आपको कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप हमको मैसेज कर सकते हैं सो दैट मैं आपको वहाँ पर इंडेक्स या उसका कॉन्टेंट भिजवाऊंगी. तो आप वहाँ पर चेक करिएगा उसको कि आपके लिए बुक कितनी हेल्पफुल है. नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में. ये पेपर आता है हिंदी में तो सबको ही हिंदी में देना होगा बिकॉज यहाँ पर जो पेपर है वो हिंदी में ही आएगा गाइस, तो इंग्लिश का यहाँ पर कोई चांस नहीं है. तो आपको ये पेपर क्या है, सबको ही हिंदी में इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सेम पैटर्न है 50 मार्क्स का, सेक्शन ए बी एंड सी. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन की बुक इंग्लिश में भी आती है बट क्योंकि आपके यहाँ हिंदी में है तो आप हिंदी में यहाँ पर ये बुक ले सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स फॉर डेवलप वार्म रिलेशनशिप विद एलिमेंट्री चिल्ड्रन. तो यहाँ पर क्या है, तीन
सेक्शंस आर लॉन्ग शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, वही सेम है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके लिए जो बुक आती है वो आती है ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन के नाम से, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, इसके इंडेक्स आप कंटेंट चेक कर सकते हैं ईजिली एंड देन आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड में हिंदी मीडियम के लिए एंड राइट में इंग्लिश मीडियम के। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पेपर्स की, जो कि रहेंगे फोर्थ पेपर। फोर्थ जो आपका पेपर होता है, आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। ये कुछ ज़्यादा ही पेपर्स हैं गाइस, तो ये लाइन से नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। मैथ्स है, ये पूरा केओस है यहाँ पर। तो पर क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ कैसे और कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी एट द एंड। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके जो क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं बुक के लिए, इसकी हिंदी मीडियम में भी बुक है गाइस और इंग्लिश में अभी लॉन्च हुई है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये बुक है, तो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस ये आपको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, तो इसकी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ये हैं और भी पेपर्स गाइस, पहले ही बोल रही हूँ ये सीरियल वाइज नहीं लगे हैं, जितने मिले हैं उतने यहाँ पर लगा दिए गए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये रहे और भी क्वेश्चंस, इनसे प्रैक्टिस करें। बुक है आपके पास, उससे पढ़ें आराम से, आपको उससे जितने भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे और जो जिसमें प्रॉब्लम आती है वो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन पेपर्स, आई होप गाइस आपके लिए ये जो पेपर्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे सबके लिए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ज़रूर शेयर करें जो भी आपके साथ हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही ये पेपर है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्वेरीज के लिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम कॉमन जो बीनेट के डाउट्स हैं वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। नेक्स्ट आप फॉलो करें हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी, वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको जो पीडीएफ है इसकी वो लग जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और एक दो घंटे के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वापस से आप रिविजिट करके यहाँ से जो पीडीएफ है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अपने वेबसाइट के बारे में, जो कि है BLED.in। वहाँ पर आपको सारे ही जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं, CCSU का भी जो सिलेबस है वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, प्लस हम वहाँ पर सारे ही अपडेट देते हैं। जो भी एग्जाम का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो अपियरिंग के लिए हो चाहे वो ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेशली BLED वालों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब करें एंड ये अपने वीडियो जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन एट द एंड, इसको लाइक करें। जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।